हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो आज के इस वीडियो में त्रिकोणमितीय के अनुप्रयोग वाले चैप्टर का मैं आपको उदाहरण नंबर 2 करवाने जा रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2 करवाने जा रहा हूँ। आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर का सवाल ये आ सकता है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन आप जब प्रश्न पढ़ोगे तो प्रश्न पढ़ने से आपको ये लगेगा कि बहुत बड़ा सवाल है, बहुत टफ होगा, लेकिन ये सिर्फ 4 लाइन का सवाल है, 4 लाइन में ही आपका आंसर आ जाएगा। तो आपके सामने मैंने बोर्ड पर सवाल लिखा हुआ, आप लोग इसको पढ़िए ध्यान से। सवाल लिखा हुआ है आपके सामने, एक बिजली मिस्त्री को 5 मीटर ऊंचे खंभे में आई खराबी को सही करना है। यानी कि अब जैसे आपने सवाल पढ़ा तो आपके सामने खंभा, आप अक्सर आपको तो पता ही खंभा बिजली का जमीन पर ही खड़ा होता है, ठीक है। मान लो ये खंभा है MN, हम ये मान के चलिए खंभा MN है, इस पर कोई खराबी आ रखी है, उसको जो है उस मिस्त्री ने सही करना है, जो लाइनमैन है, जिसके लिए उसे शिखर से 1.3 मीटर नीचे तक पहुंचना है। यानी कि वो उस खराबी को सही तभी कर पाएगा जब वो शिखर से लगभग लगभग 1.3 मीटर, मान लीजिए यहाँ पर ये ओ पॉइंट है, तो ये जो ओ पॉइंट है ये आपका है 1.3 मीटर, 1.3 मीटर। यानी कि वो बंदा जब यहां तक जाएगा तब जाकर वो जो खराबी आर के बोल वो सही कर पाएगा, ठीक है। तो 1.3 मीटर नीचे तक पहुंचना है जहां उसे सीढ़ी लगानी, यानी कि उसको सीढ़ी यहां तक फिट कर, यहां पर लगाएगा सीढ़ी को, नीचे से सीढ़ी लगाएगा, यहां पर जब सीढ़ी में चढ़ेगा तब यहां जो खराबी होगी वो सही करेगा, ठीक है। लगानी है उसे कितनी लंबी सीढ़ी चाहिए ताकि वह उसे 60 अंश के कोण पर लगाकर उस बिंदु तक पहुंच सके। यानी कि उसको अब आपको एक चीज और, सीढ़ी की लंबाई भी चाहिए, तो आपको यहाँ पर सीढ़ी यहाँ पर टिकानी है जमीन से, मतलब यहाँ पर हवा में तो यहाँ पर रहेगी खंभे पर, और सीढ़ी आपको इस ढंग से नीचे यहाँ पर आ जाएगी। तो सीढ़ी को चलो मान लीजिए आपका S है, S पॉइंट पर सीढ़ी रखा, एस ओ जो है सीढ़ी है, तो उसे कितनी लंबी सीढ़ी चाहिए, यानी कि आपको सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है 1, ठीक है। मतलब उसने वो सीढ़ी जो है 60 अंश के कोण पर लगानी है ताकि वो वहां तक पहुंच जाए, तथा उसे खंभे से कितनी दूरी पर सीढ़ी को लगाना चाहिए, खंभे से कितनी दूरी पर सीढ़ी को, यानी कि एस पॉइंट उसने वो सीढ़ी रखी जमीन में, यू टिकाई और फिर ऊपर यू करके उसने खंभे पे टिका दी, ठीक है, सीढ़ी को लगाना चाहिए ताकि वो सही ऊंचाई तक पहुंच सके। यानी कि सीढ़ी वो एस पॉइंट पर जमीन रखेगा और ऊपर वो ओ पॉइंट पर लगाएगा, तब जाके यहाँ पर आपका कितना अंश कोण बनेगा, 60 अंश का कोण बनेगा, जो कि सवाल में दे रखा, ठीक है, 60 अंश कोण बनेगा और वो ओ पॉइंट में जब जाएगा तभी वो खराबी को सही कर सकता है। और ये है कि ऊपर शिखर से एम ओ, यानी कि 1.3 मीटर तक वो उसने वो पॉइंट ओ है और 60 अंश कोण है। और दूसरा उसने सवाल में आपको दिया गया √3 = 1.73, आप ले सकते हैं सवाल को सॉल्व करने पर। तो ये सारा जो आप मार्जिन आपके पास, आप ध्यान रखिए 5 मीटर ऊंचा खंभा, यानी कि इस पूरे खंभे की जो ऊंचाई है ये है आपकी 5 मीटर, मैं यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ 5 मीटर, यानी कि MN बराबर आपके पास है 5 मीटर, MN बराबर आपके पास कितना है भाई, 5 मीटर है, ये ध्यान रखिए। और MO बराबर आपके पास है 1.3 मीटर। एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि सब एक ही मात्रा का है, कि नहीं, मीटर है तो मीटर है तो सब सही चल रहा है, ठीक है। कहीं पर उसमें सेंटीमीटर लिख दिया, कहीं पर मीटर लिख दिया, तो आपको एक ही मात्रक में उसको लाना होगा, ये ध्यान रखिए, हर साल आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, पूरी पूरे खंभे की ऊंचाई है MN जो कि 5 मीटर है, और उसको ऊपर से 1.3 मीटर तक डिस्टेंस तक जाना है वो काम सही करने के लिए, तो जाहिर सी बात है पूरा का पूरा 5 मीटर है, और ये इतना आपका बचेगा कितना, 5 में से 1.3, यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे सिंपल NO या ON बोल सकते हैं, ON क्या हो जाएगा भाई, सिंपल है, पूरी सीढ़ी की लंबाई में से आपको जो ऊपर से ऊंचाई वो घटानी है MN, तो ये हो जाएगा आपका MN आपका 5 मीटर है माइनस MO आपका 1.3 मीटर है, तो ये आपका निकलेगा 5 में से 1.3, ये आपका 3.7 मीटर बचेगा आपका, 10 में से 3 = 7 और 4 में से 3, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि ये इतनी जो ऊंचाई बच रही है आपके पास, ये आपके पास है 3.7 मीटर, इतनी आपने निकालना है, एक तो सीढ़ी की लंबाई OS आपने निकालना है, एक OS, ठीक है, और दूसरा आपने निकालना है SN। सवाल में साफ साफ बोल रहा हूं, ये तो सीढ़ी की ऊंचाई लंबाई निकालिए SO या OS,
और वो सीढ़ी को मीनार वो खंबे से कितनी दूरी पर रखेगा ताकि वहां तक पहुंचे, तो एस एन यानी एस एन दूरी पर रखेगा वो सीढ़ी को। तो हमें ये दो चीज निकालनी है। वेरी सिंपल, चित्र से आप देख सकते हैं, चित्र से आपको दिखाई दे रहा है, मैं देखो सिंपल सी बात है, मैं एस एन ये हो गया और ओ एन ये हो गया, यानी कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो चित्र से आप देख रहे हैं कि लंब बटे आधार बराबर होता है 10 और कोण आपको दे रखा उसने 60 अंश, ठीक है। तो लंब आपके पास हो गया 3.7, मैं सीधा मान रख रहा हूं, और आधार आपने एस एन निकालना है, मैं ऐसे लिख रहा हूं सीधे, और 10 60 का मान आपको पता है ही अंडर रूट 3 होता है, ठीक है। तो यहां से अगर आप और उसमें सॉल्व करोगे तो एस एन यहां से ले जाएगा, अंडर रूट 3 से जाएगा, तो 3.7 ऑब्लिक अंडर रूट 3 बराबर एस एन, यानी कि एस एन आपका सीढ़ी की दूरी निकल रही है खंबे से, यानी कि सीढ़ी की दूरी निकल रही है खंबे से कितने में से नीचे रखना है। तो यहां पर आप इसको सीधे सॉल्व कर लीजिए, होप आपको दिखाई दे रहा हो, चलो इसको मैं आगे कर लेता हूं। तो यहां पर जाएगा ये 3.7 ऑब्लिक अंडर रूट 3, 1.73 उसने अंडर रूट 3 का मान दे रखा, तो इसका मान आप निकालोगे तो ये लगभग निकलेगा आपका 2.4 के आसपास, इसको देख लीजिएगा आप, यह निकलेगा 2.4 मीटर के आसपास इसका आंसर निकलेगा, यानी कि सीढ़ी को वह खंभे से 2.4 मीटर की दूरी पर रखेगा तब जाके वो पॉइंट ओ तक पहुंचेगी, ठीक है। अब दूसरा भाग उसका हमने सीढ़ी की हमने लंबाई निकालनी है, तो सीढ़ी की लंबाई निकालने की देखो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व ध्यान से देखिएगा, सीढ़ी लंब बटे कर्ण यानी कि 3.7 बटे कर्ण, कर्ण आपका एस ओ है, जो आपके पास क्या होता है साइन 60 हो जाएगा, साइन 60 लंब बटे कर्ण साइन हो जाएगा, कोण आपको दे रखा है, ठीक है। तो 3.7 ऑब्लिक एस ओ बराबर अंडर रूट 3/2, ये साइन 60 का मान होता है ये आपको पता है ही, ठीक है। तो ये अब आगे जाकर एस ओ यहाँ चला जाएगा, ये 2 यहाँ गुणा हो जाएगा और ये अंडर रूट 3 नीचे आ जाएगा, तो ये 3.7 इंटू 2 ऑब्लिक अंडर रूट 3 बराबर एस ओ बच जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल वही है, फिर ये 3.7 का 200 गुणा कर दिए तो 2 × 14 = 7 अपॉन अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 का मैं डायरेक्ट यहाँ पर मान लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर मान लिख रहा हूँ अंडर रूट 3 का 1.73, तो इसको जब भाग करेंगे आप ये आपका लगभग निकलेगा 4.8 मीटर, ये आप सॉल्व कर देख लीजिए, मैंने क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व किया था ये तो इसलिए मेरे को याद है। तो ये 7.4 / 1.73 से भाग करेंगे तो 4.8 मीटर के आसपास ये पूरा आंसर निकल रहा है। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये एस ओ है, ये एस ओ है, एस ओ यानी कि 4.8 मीटर, तो एस ओ आपका निकल गया क्या, सीढ़ी की लंबाई या ऊंचाई भी कह सकते हैं, सीढ़ी की इतनी ऊंची होगी 4.8 मीटर, और सीढ़ी जो है खंबे से एस एन दूरी पर, यानी कि एस एन आपका हो जाएगा 2.5 मीटर, ये एस एन हो जाएगा, एस एन आपको हो जाएगा 2.4 मीटर, उसकी जो कहाँ से दूरी हो जाएगी खंबे से उसकी दूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार आपने निकाल दिया इसका आंसर, ठीक है। तो इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा आपको, आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर कैसे निकाल। तो मैं सिर्फ ये आपको ये बोला था बच्चों कि सवाल ये बहुत लंबा लिखा हुआ है, लेकिन इतना सवाल जाए कितने में लंबा लिखा हुआ, यदि कॉन्सेप्ट यदि आपको समझ गए तो सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल आपको समझ में आएगा, ये छोटा सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल था, इसलिए बताया था भाई, एग्जाम्पल कराने की जरूरत थी नहीं वैसे, पर चलो कोई नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको कोई दूसरा सवाल लेकर आऊंगा, तब तक के लिए आप मुझे अनुमति दीजिए, और हाँ प्लीज वीडियो को बंद करने से पहले इसको एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए, और सबसे बड़ी बात सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होता है उसको अगर क्लिक करेंगे तो उस पर आएगा ऑल का निशान, जैसे ही सामने आ रहा है रेड सर्कल मारा है, तो इस ऑल के निशान पर आप क्लिक कर दीजिए तो हमारी नोटिफिकेशन आप तक जो है टाइम टू टाइम पहुंच जाएगी जैसे जैसे हम वीडियोस तैयार करेंगे। तो बच्चों आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, जल्दी आऊंगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।